सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब और कैसे है। आइए सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयावान अनुग्रहकारी प्रभु, हम दिल से धन्यवाद देते हैं राजा इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने दिया है। प्रभु हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता अभी तक आपने हमें संभाला है पिता, हर एक मुसीबत से हर एक परेशानी से प्रभु जी आपने बचा करके रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके एक एक भलाइयों के लिए। परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपने हमें संभाल करके रखा है प्रभु जी। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो भी वचन परमेश्वर मैं बोलता हूँ खुदावंद यीशु, उस वचन के जरिए परमेश्वर ये वीडियो देखने वाले परमेश्वर हर एक से खुदावंद यीशु आप बातें करिए प्रभु। पिता मेरी हो गाड़ी आपके निकले, आप बढ़ते जाए मैं घटता जाऊँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ राजा, जो लोग भी परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावंद यीशु, हर एक के हृदय में परमेश्वर अपने वचन के बीज बो देना प्रभु जी। कोई भी दुष्ट ताकत परमेश्वर आपके वचन को परमेश्वर चुराने ना पाए प्रभु। वीडियो देखने वाले परमेश्वर एक एक जन को प्रभु जी हम आपके लहू में डालते हैं पिता, हर एक के जीवन में प्रभु अपने वचन के जरिए खुदावंद आप कार्य करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना जीवित मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता, आमीन। तो आइए हमारे साथ निकालेंगे मरकुस 13 अध्याय उसके 32 आयत से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पर बाइबिल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब है, ये ना तो स्वर्ग के दूतों को पता है और ना ही प्रभु यीशु मसीह को, परंतु केवल पिता अर्थात परमेश्वर को पता है। मेरे प्रियो मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है, हमारे सोच में ये रहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने में भी बहुत विलंब है, इसलिए हम जैसा चाहे अपना मनचाहा जीवन जी सकते हैं, व्यभिचार में पड़ करके, नशे में पड़ करके, गंदी लतों में पड़ के। मैं आपसे बता दूं, यदि आपके दिमाग में भी यही सोच है तो उसे आज ही निकालिए, क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं पता है। आगे आयत में हम लोग देखेंगे, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, एक परदेशी, एक घर का मालिक जब घर छोड़ करके वह परदेश जा रहा हो और उस घर की जिम्मेदारी उस घर के नौकरों को दे दे कि जिस स्थिति में मैं इस घर को छोड़ करके जा रहा हूं उसी तरह मुझे फिर से यह घर देखना है, ऐसा ना हो कि मेरे आने के बाद पता चले कि जिसको जिम्मेदारी मैंने दी है वो अपना जिम्मेदारी ना निभाए। वो घर का मालिक अपने नौकरों से अपने सेवकों से यही उम्मीद करेगा कि जिस स्थिति में मैं छोड़ करके जा रहा हूं मेरे आने के बाद उसी तरह यह घर मुझे मिलना चाहिए। लेकिन यदि जिस जिस को वो घर का मालिक जो काम दे करके जा रहा है, यदि उससे यदि उस काम में वो नौकर वो सेवक लापरवाही करते हैं तो उस घर का मालिक उन लोगों से क्या कहेगा, क्या उसका लेखा नहीं लेगा? अवश्य लेगा, क्योंकि उसने उन्हें जिम्मेदारी दिया है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी संसार में जब मानव रूप में आए, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही कारण मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह भी हमें एक जिम्मेदारी देकर गए हैं, वो जिम्मेदारी है पृथ्वी के छोर तक उनके नाम का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बताएं। और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है वो ये है कि हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें, ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय हम तैयार ना रहें। और मत्ती 25 अध्याय में जो लिखा है 10 कुंवारियों के बारे में, जो 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, उन 5 मूर्खों के जैसे हम भी छोड़ दिए जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दिया है, जो हमें जिम्मेदारी दी, उसे हमें बखूबी निभाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे उस घर के मालिक ने घर के सेवकों को दिया है।
इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।